हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास टेंथ, इससे पहले क्लास टेंथ में हम लोग इससे पिछले क्लास में मेटल एंड नॉन मेटल जो कि चैप्टर जहां तक इस साल के सिलेबस में आ रहा है वो मैंने ख़त्म कर दिया था। और टेंथ क्लास के बायोलॉजी में हम लोग जो पढ़ रहे थे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे, केमिस्ट्री चूँकि ऐसे वन की जो जहाँ तक पढ़ना था वहाँ तक ख़त्म कर चुके हैं। इसके बाद जो केमिस्ट्री में कार्बन एंड कंपाउंड स्टार्ट होगा, लेकिन आज के क्लास में सबसे पहले अब हम लोग लाइव प्रोसेस को ख़त्म करें। जितनी क्लास लगेंगी बचे हुए रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रेटरी सिस्टम। तो हम लोग आपको आज रेस्पिरेटरी सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे, आज स्टार्ट होगा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो पार्ट में बांटा गया है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पहला, इट हैज टू पार्ट्स ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। फर्स्ट वन इज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और सेकेंड वन इज रेस्पिरेटरी ऑर्गन। रेस्पिरेटरी ऑर्गन ये फर्स्ट पार्ट है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब ये पहला है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये क्या है, व्हाट डू यू थिंक? इट इज द पाथ ऑफ फ्रेश एंड फॉल एयर, है ना। इट इज लॉन्ग नेरो, पहले ये चीज देखे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये इसको क्या कहेंगे, इट इज लॉन्ग नेरो एंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एंड इट इज द पाथ ऑफ फ्रेश एंड फॉल एयर, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इसको बोलते हैं। इट हैज फॉलोइंग पार्ट, इसके जो पार्ट पहला फर्स्ट वन नॉस्ट्रिल्स, जिसको इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल नेयर्स, इसको बोलते हैं। सेकेंड वन नजल चैम्बर, नजल चैम्बर। थर्ड हम ग्लोटिस के बारे में, ग्लोटिस इट लाइज इन फैरिंग्स, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था कि फैरिंग्स इट कंटेन इट लीड्स टू ग्लोटिस एंड गलेट। ग्लोटिस कंटेन विंड पाइप एंड वॉइस बॉक्स, ठीक है, ये ग्लोटिस कंटेन करता है आपको यहां पर विंड पाइप और वॉइस बॉक्स, ये इसके दो पार्ट, विंड पाइप एंड सेकेंड वन इज वॉइस बॉक्स, ठीक है। और चौथा प्राइमरी ब्रोंकाई, दीज आर द पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या हुआ, इट इज द लॉन्ग नेरो एंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एंड सेकेंड पॉइंट लिखेंगे इट इज द पाथ ऑफ फ्रेश एंड फॉल एयर, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इट इज फॉलोइंग पार्ट नॉस्ट्रिल्स, इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल लेयर्स, नजल चैम्बर। नजल चैम्बर में थ्री पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, लोअर चैम्बर, मिडिल चैम्बर एंड अपर चैम्बर। फिर ग्लोटिस, ग्लोटिस ये इट लीड्स टू या इट कंटेन विंड पाइप एंड वॉइस बॉक्स और फोर्थ वन इज प्राइमरी ब्रोंकाई। अब एक एक करके चलिए, यहां पे हमने यहां पे देखिए प्राइमरी ब्रोंकाई, यहां तक आपको हो गया रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इस फिगर में आप देख सकते हैं नोज, ये फैरिंग्स, फैरिंग्स ही कंटेन करता है आपको, यहां पे ग्लोटिस एंड गलेट,
ग्लोटिस एंड ग्लैंड, जैसा कि हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़े थे। ग्लोटिस एंड सेकेंड वन इज ग्लैंड, जो कि ग्लैंड कंटेन करता है अप टू फूड पाइप। ठीक, इसके बाद आके आप देख रहे हैं लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स को ही हम लोग लैरिंग्स बोलते हैं। ह्यूमन बींग्स के वॉइस बॉक्स को लैरिंग्स बोला जाता है और एडम्स एप्पल भी कहते हैं। ये एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद जाके बर्ड के, व्हाट इज द ये नेम ऑफ वॉइस बॉक्स ऑफ बर्ड, उसको बर्ड के वॉइस बॉक्स को हम लोग सैरिंग्स कहते हैं, एस ए आर वाई एन एक्स, बर्ड के वॉइस ऑफ बर्ड, वॉइस बॉक्स ऑफ बर्ड, वॉइस बॉक्स ऑफ ह्यूमन, पहले देख लीजिए बीम दैट इज कॉल्ड लैरिंग्स एंड सेकेंड वन इज वॉइस बॉक्स ऑफ बर्ड दैट इज कॉल्ड सैरिंग्स, उसको हम लोग सैरिंग्स बोलते हैं। ठीक है, यहां तक समझ गए? क्योंकि कंप्लीटली हम लोग को केवल लाइव प्रोसेस ही पढ़ना है, ऐसे वन में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हटा दिया गया है, इसलिए एक एक चीज को बारीकी से आप देखते जाइए और उसको ढंग से दें। क्योंकि अब लाइव प्रोसेस मेन हो गया, जिससे कि पहले भी मेन था लेकिन अब ज्यादातर क्वेश्चन इससे अराइज हो गए, इसलिए इसको एकदम बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होके अच्छे तरीके से इसका स्टडी कीजिए। ओके, आगे बढ़ो। अब देखिए नाउ, अब एक एक चैप्टर करके हम लोग स्टडी करेंगे। नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स क्या हो? सिंपली अगर इसको डिफाइन करें हम लोग नॉस्ट्रिल्स, व्हाट डू यू मीन बाय नॉस्ट्रिल्स? द टिप पोर्शन ऑफ द नोज दैट इज कॉल्ड द नॉस्ट्रिल्स और एक्सटर्नल, इट हेल्प्स फॉर इनहेलेशन। या अगर आप दूसरे तरीके से इसको थोड़ा डिटेल में जाना चाहते हैं, द लॉन्ग साइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ लोअर एंड ऑफ द नोज, लोअर एंड ऑफ द नोज एंड अपर एंड ऑफ द माउथ दैट इज कॉल्ड नॉस्ट्रिल्स। द टू लॉन्ग साइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ लोअर एंड ऑफ द नोज एंड अपर एंड ऑफ द माउथ दैट इज कॉल्ड द नॉस्ट्रिल्स, इट हेल्प्स इन इनहेलेशन। ये सिंपली, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, सीधा बोलेंगे द टिप पोर्शन ऑफ द नोज दैट इज कॉल्ड नॉस्ट्रिल्स और एक्सटर्नल लेयर, इट हेल्प्स फॉर इनहेलेशन। ओके, नेक्स्ट चलें सेकंड, या इसको आप देखिए द टिप पोर्शन और पार्ट ऑफ द नोज दैट इज कॉल्ड, इसको बोलेंगे नॉस्ट्रिल्स और एक्सटर्नल नियर्स। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिख देंगे, इट हेल्प्स इन इनहेलेशन, इनहेलेशन ये पार्ट आप देख रहे हो, ये पार्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब है नजर चैंबर, सेकेंड नजर चैंबर, जिसको हम लोग नजर कैविटी कह सकते हैं, नजर चैंबर, इट इज ऑल्सो नोन एज नजर कैविटी। द टू लॉन्ग साइज्ड स्ट्रक्चर
प्रेजेंट इनसाइड द नोज. द टू लॉन्ग साइज्ड स्ट्रक्चर या टू लॉन्ग साइज्ड होल प्रेजेंट इनसाइड द नोज व्हिच आर सेपरेटेड बाय ए वॉल दैट इज कॉल्ड नजल सेप्टम. उसको हम लोग नजल सेप्टम बोले. जैसे ये ठीक वॉल को जो कि सेपरेट कर रहा है दोनों होल को उसको नजल सेप्टम. इट हैज थ्री पार्ट. फर्स्ट पार्ट आप देखिए, फर्स्ट पार्ट जिसको हम लोग कहते हैं लोअर चैम्बर, हेयरी पार्ट, लोअर चैम्बर जिसको हम लोग हेयरी पार्ट कहते हैं. इट इज हेयरी पार्ट. इसका काम क्या होगा? इट है ना फिल्टर द एयर एंड प्रिवेंट द डस्ट पार्टिकल्स एंड जर्म्स ड्यूरिंग द इनहेलेशन. ठीक, ये लोअर चैम्बर का काम है. सेकेंड हम लोग देखें बी मिडिल चैम्बर. मिडिल चैम्बर सेकेंड वन इज मिडिल चैम्बर. इट एक्ट्स एज ए एयर कंडीशनर. ये एयर कंडीशनर का काम करता है. एंड इट कन्वर्ट hot air to cold air and cold air to hot air according to the body temperature. ये middle chamber का काम क्या है? It acts as a air conditioner in our body which convert warm air to cold air and cold air to warm air according to the body temperature. That is called ये मिडिल चैम्बर का काम. अब आपको नेक्स्ट तीसरा जो है अपर चैम्बर. अपर चैम्बर का काम है अपर चैम्बर. इसका मेन काम है इट हेल्प्स इन इनहेलेशन स्मेलिंग कन्वर्टेड एयर. इट या यू कह सकते हैं इट ट्रांसपोर्ट द एयर कन्वर्टेड एयर टू द कहां पे भेजेगा? फेरिंग्स को भेजेगा, ग्लोटिस को भेजेगा टू द अदर ऑर्गन्स व्हिच प्रेजेंट व्हिच इन्वॉल्व इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. या यू कह सकते हैं इसका मेन काम हो गया ट्रांसपोर्टेशन. तो सीधा लिखेंगे इसमें इट हेल्प्स इन स्मेलिंग. ओके, ये थे नजल चैम्बर की. अब हम लोग नेक्स्ट जो हमारा तीसरा है वो है ग्लोटिस. थर्ड वन इज ग्लोटिस. ये क्या है ग्लोटिस? इट वी नो दैट हमने पहले ही वही बताया. इट लाइज इन फैरिंग्स. कहां पे भाई? फैरिंग्स. एंड इट कंटेन वॉइस बॉक्स एंड विंड पाइप. ठीक, इसका मेन काम है ड्यूरिंग द स्वॉलोइंग ऑफ द फूड ना इट कवर्स. ड्यूरिंग द स्वॉलोइंग ऑफ द फूड इट कवर्स बाय बायलोड लीफ लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एपिग्लोटिस. है ना एपिग्लोटिस. उसका क्या काम है? Which prevent the entry of food, yeah, in food pipe. Epiglottis का क्या काम हो गया? पहले ये, it lies in pharynx, it contain voice box and wind pipe. ठीक, ये. इसके बाद, during the swallowing of the food, it is covered with a bilobed leaf-like structure that is called epiglottis which prevents the entry of food bolus in food pipe. अब जानते होंगे कि क्या होता है कि अक्सर हमारे पेरेंट्स हमारे गार्जियन ये कहते हैं खाना खाने वक्त जब हम ईटिंग कर रहे होते हैं तो उस समय में बोलने स्पीकिंग करने के लिए नहीं बोलने के लिए नहीं. तो क्या होता है कभी कभी आपने देखा होगा कि जब हम खाना खा रहे होते हैं बोल भी रहे होते हैं तो उस समय में
हम जोर से सरकते हैं, ठीक। तो क्या होता है एक्चुअली में कि फूड पाइप, फूड में फूड बोलस जो है, जो स्मॉल लेस्ट पीस होता है उसे फूड बोलस कहते हैं, बोलस। तो फूड पाइप में ना जाके वो चला जाता है विंड पाइप में, ठीक। और विंड पाइप अगर पढ़ेंगे हम आपको बताएंगे जो ट्रेकिया जो होता है वो कार्टिलेजिनियस रिंग्स के बने होते हैं, वो फंसता है, जिसकी वजह से हम क्या होता है जोर से हम सरकते हैं। हाँ, यानी आई मीन टू से दैट वी फील अनकंफर्टेबलनेस ड्यूरिंग दिस टाइम। सो तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसलिए कहा जाता है कि खाना खाने वक्त जब आप खाना खा रहे होते हो तो उस समय में आप बोले ना, स्पीकिंग ना करें, क्योंकि फूड पाइप और विंड पाइप जो होता है दोनों अब ये फैरिंग्स से ही, फैरिंग्स का ही पार्ट है, एक ग्लोटिस का पार्ट है, दूसरा गलेट का पार्ट है। तो इसीलिए जब हम उस समय खा रहे होते हैं तो क्या होता है कि या फिर क्या होता है एपिग्लोटिस से ये कवर्ड होता है, जो कि बायलोबेट लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, और फूड डायरेक्टली विंड पाइप में ना जाके फूड पाइप में जाता है। और जब हम बोलेंगे तो क्या होगा कि एपिग्लोटिस को खुलेगा, अप एंड डाउन होगा, तो जिसके वजह से क्या होता है कि फूड बोलस जो है वो विंड पाइप में चला जाता है। इसीलिए कहा गया कि ग्लोटिस इट लाइज इन फैरिंग्स, ठीक, इट कंटेन वॉइस बॉक्स एंड विंड पाइप ड्यूरिंग द स्वॉलोइंग ऑफ फूड। पूछता व्हाट डू वी मीन बाय एपिग्लोटिस, तो ग्लोटिस कंटेन बायलोबेट लीफ लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एपिग्लोटिस which prevent the entry of food into food pipe, in food pipe, ठीक है, okay। Next है हमको trachea, it is long, narrow and tube-like structure which is made up of cartilaginous rings। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि अब ये cartilaginous rings का what is the function of cartilaginous rings, या why wind pipe और ट्रेकिया डू नॉट कोलैप्स बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ ए कार्टिलेजिनियस रिंग्स, ठीक है। तो ये हो गया विंड पाइप और ट्रेकिया। अब नेक्स्ट जो है वो हमारा प्राइमरी ब्रोंकाई, ये क्या है, द डिविजिबल पार्ट ऑफ विंड पाइप। आप देख रहे हैं द डिविजिबल पार्ट ऑफ विंड पाइप दैट इज कॉल्ड प्राइमरी ब्रोंकाई व्हिच ओपन्स इन साइड द लंग्स, ओके, यहां पर जो कि लंग्स में खुल रहे हैं। तो यहां तक हो गया रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पार्ट। अब देखिए, अब सेकेंड वन है आपको रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में आ जाते हैं लंग्स, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और ये फिगर आप लोग कंप्लीटली वे में डिस्क्राइब कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, ताकि नेक्स्ट क्लास में जब हम बताने रहेंगे तो लंग्स के बारे में आप इसे धीरे धीरे करके छोटे छोटे करके पढ़िए और उसको कमांड कीजिए पहले यहाँ तक का, ओके। फिर अभी लंग्स के बारे में पढ़ना है, फिर मैकेनिज्म पढ़ना है, ये बहुत है रेस्पिरेटरी सिस्टम, ओके। तो पहले आप यहाँ तक कंप्लीट कीजिए। ये डायफ्राम जो कि सेपरेटिंग वाल है, जो कि थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करता है, है ना। फिर सारा कुछ मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, ओके। और जो चीज़ समझ में ना आए कोशिश करें उसको कमेंट्स बॉक्स में डालने का, ओके। बच्चों घर पे रहें, सेफ रहें, क्योंकि अभी हम महामारी के दौर से नहीं गुजरे हैं। अभी हमें लगभग इसी तरह से रहना पड़ेगा। सो स्टडी, ओके।